मैं वादा करता हूँ भाई, रमजान का महीना है और ईमानी कुरान नहीं बताऊंगा। जो बंदा जहाँ के बनाएगा उसका बनेगा। एक तस्दीक नहीं, सैकड़ों नहीं, लाखों तस्दीकें आएंगी कि वाकई फहीम सन्यासी ने बताया था, हमने बनाया। लेकिन एक वादा लेना चाहता हूँ सबसे, पाकिस्तान में जो बंदा जिस शहर से कीमिया बनाएगा वो यूनिफिकेशन टीबी फाउंडेशन का एक ऑफिस खोलेगा उधर। एक यूनिफिकेशन टीबी फाउंडेशन के नाम से लेबोरेटरी बनाएगा, जो जब तक हम रहेंगे वो फ्री लेबोरेटरी चलेगी, वहां पे फ्री प्रैक्टिकल करवाएगा। वादा हो गया जी, बता दो शादी बता दे। मेरी बात ये है कि मैं हर महफिल में आके कहता हूँ कि सन्यास और कीमिया मुश्किल नहीं है, ये सन्यासियों ने मुश्किल किया हुआ है। मैं कोई खानदानी सन्यासी नहीं हूँ, मैं सिंधु जाट बरादरी से ताल्लुक रखता हूँ, जिम्मेदारों का बाल हूँ, और ये सन्यास मुझे मिल गया। बस कैसे मिला, ये अल्लाह ताला की अता है। अगर मैं सन्यासियों का बच्चा होता मैं भी ना बताता, सर कटवा लेता ना बताता। नुस्खा सुन ले, दो नुस्खे दूंगा दोनों कामयाब दूंगा, तीसरा नुस्खा मैंने माइक पे बयान ही नहीं करना, आज दो ही देने। तेजाब गंधक की, गंधक निकालते हैं लोग, व्हाइट कलर की होती है, संड हो जाती है, सारी दुनिया निकालती है, निकाल के फिर लेके फिरते हैं कि यार इसको खोल दो जारी कर दो। हमने तेजाब गंधक की गंधक निकालनी है माल्टे रंग की, व्हाइट कलर की सफेद नहीं निकालनी। सिर्फ घड़ी के टाइम पे 5 मिनट में गंधक बाहर आ जाएगी, वो गंधक जारी और गवासी होगी और कायम नार होती है, कायम करने की जरूरत नहीं है। क्या करते हैं जी, हमने लेना है एको नाइट, जिसको सत मीठा तेलिया बोलते हैं। शर्त यह है कि हो प्योर खालस। बिछनाक पंसार से बिछनाक लेते हैं ना, हम बिछनाक सत ये मीठा तेलिया, तो वो हमने सात मीठा तेलिया लेना है, जैसे सात पुदीना सात अजवैन होता है इस तरह से, इसका सात, उसको एको नाइट कहते हैं। तो वो 6 ग्राम ले लें सात मीठा तेलिया, 12 ग्राम तेजाब गंधक प्याली में डाल के ऊपर 6 ग्राम सात मीठा तेलिया डाल दें, 5 मिनट में तेजाब गंधक की गंधक ऑरेंज कलर की नीचे बैठ जाएगी। ऊपर का पानी उतार दें, गंधक ले लें, काफूर लेना है 1 तोला 12 ग्राम वाला, खरल में डालना और ये 6 ग्राम गंधक डाल के उसको खरल करेंगे, 2-3 रगड़े लगाने पे गंधक और काफूर मोम हो जाएंगे। अब आपने एक प्याली में 12 ग्राम फास्फोरस डालना है और उसके ऊपर ये 18 ग्राम गंधक और काफूर की मोम फास के ऊपर डाल देनी है। दूसरी प्याली दे के उसके लप बंद करें, सिर्फ 2 घंटे के लिए धूप में रख दें, ये तीनों चीजें खुल के तेल हो जाएंगी। ये फास्फोरस काफूर और गंधक का तेल बन गया। 3 ग्राम नीला थोथा लेना है, इसके अंदर डिप करना है और उसको ना 1 तोला काटन ऊपर लपेटनी है रुई, तो चूल्हे पे रख देना है, 5 मिनट में नीला सफेद हो जाएगा। उसको उठा के इसी तेल में मारे और हल्का सा तशबिया देंगे, नीला भी तेल हो जाएगा। अब 1 ग्राम हीरे की खड़े लेनी है, इसी तेल में डिप करके उसको अब्रक स्याह के टुकड़े पे रख के चूल्हे पे रखें, हीरा फूल देगा। उसको उठा के इसी तेल में डालें, हल्का सा तस्विया देंगे, हीरा भी तेल हो जाएगा। 1 किलो पारा कढ़ाई में गरम करना है, किसी भट्टी में जाने की जरूरत नहीं, चूल्हे पर रखें। जब गरम हो जाए एक कतरा डालें, 24 कैरेट रंगीन पारा बैठ जाएगा। ये जैसे नुस्खा मेरे पास है मैंने वैसे ही बयान किया, इसमें कोई नुकता नहीं रखा है। एको नाइट 6 ग्राम तेजाब गंधक अच्छे वाला लेना, वलैती फ्रेश हो। यहाँ पे तेजाब गंधक का मियार बता देता हूँ कैसे चेक करना है। जब नया तेजाब गंधक आता है ना तो दूधिया कलर का होता है, दूधिया, कुछ दिन बाद वो पीने वाले पानी की तरह सफेद हो जाता है, उसकी आधी से ज्यादा कैपेसिटी खत्म हो जाती है, फिर वो काला हो जाता है, वो ऑक्साइड हो जाता है, वो किसी काम का नहीं। जब दूधिया कलर का तेजाब लेना है वो सबसे ज्यादा बेहतर होगा, उसका रिजल्ट अच्छा होगा। तो उसमें 12 ग्राम तेजाब में 6 ग्राम एकोनाइट डाल दें,
5 मिनट में गंधक ऑरेंज कलर की बैठेगी नीचे। इसको ऊपर से पानी उतार दें और इस गंधक को खरल में डाल के 12 ग्राम कफूर से खरल करें। 2 रगड़े लगाने पे गंधक और कफूर मोम हो गए। एक प्याली में 12 ग्राम फास्फोरस डालें, उसके ऊपर ये मोम डाल के दूसरी प्याली दें, लाभ बंद करके 2 घंटे के लिए धूप में रखें, तीनों तेल होंगे। अब इस तेल में 3 ग्राम नीले की डली लेके डिप करें। 1 तोला रुई काटन लपेट के चूल्हे पे रखेंगे तो 5 मिनट में नीला सफेद हो जाएगा। सिर्फ काटन के जलने की देर है। नीला सफेद बिला जंगार बाग करंट, उसको उठाएं, हाथ नहीं लगाना उसको, दस्ताना लगा के या शॉपर से उठाने, चिमटी से उठा लें। तो गरम गरम कोई उठा के उस तेल में डालें और रेजन तक तस्बीहा लगाएं 5 मिनट का। सिर्फ हीट आने की देर है, यह नीला तेल हो जाए। बस अब 1 ग्राम हीरा ले लें, उसी तेल में डिप करके अबरक स्याह के टुकड़े पे रखे, चूल्हे पे रखे, इंशाल्लाह 5-7-10 मिनट के अंदर अंदर हीरा फूल जाएगा। उसको उठा के गरम गरम को उसके अंदर डाल दें, क्योंकि इन चीजों के फौरी तौर पे काम लेने चाहिए। उठा के उसमें डाल दें, तस्बीहा लगाएं, हीरा भी तेल होगा, ये आपके पारे के रंगीन पारे के बिठाकीर तकसीर तैयार हो गए। 6 ग्राम बननी है 12 ग्राम तजाब में से, वो आपने सारी डाल दी है कफूर में। 18 ग्राम वो था, 12 ग्राम फास्फोरस, 30 ग्राम तेल बनेगा, 3 ग्राम नीला, 1 ग्राम हीरा, 34 ग्राम तो टोटल आपकी अक्सीर है। जब मर्जी कैलकुलेशन कर लेना, जब मर्जी फोन करके पूछ लेना। 7 बनाने का तरीका बता। 7 मीठा तेल है कि बाजार से लेना है? केमिकल स्टोर से मिल जाता है, थोड़ा महंगा होता है, लेकिन 7 लेना है। क्योंकि आजकल क्या करते हैं कि वो मीठे तेलियों को पीस के उन्होंने डब्बा रखा होता है, उसके ऊपर एकोनाइट लिखा होता है। तो ये मैंने सारी वजाहत इसलिए की कि आपको परेशानी ना हो। ये नुस्खा है जी, मैंने बिल्कुल हक सच बताया, आपने कहा मैंने बता दिया, जो मैंने वादा लिया, जो बंदा बनाए वो जरूर उस वादे के ऊपर पूरा करे। दूसरा नुस्खा, ठीक है जी, ये पहला नुस्खा था। दूसरा नुस्खा गंधक और नशादर का तेल बताता हूँ। गंधक और नशादर का दो चीजों का ही तेल होगा। एक तांबे का दरवाजा ले लेना, धूप में रख देना, तांबे का, उसके ऊपर खतकश कर देना और धूप में रख देना, शाम को उठा के गोल्डन कलर का होगा, मुकम्मल होगा, सारे का सारा दरवाजा ही रंगीन होगा। मेहनत है, जिसने मेहनत करनी है फल उसने पाना है। नुस्खा मैं गलत बताऊंगा, रोजे मैशर में आपका देनदार होगा। आपने काली उठाली लेनी है 5 नंबर की, काली कुठाली 5 नंबर की। 1 पाव आमला सार गंधक लेनी है, हो डली वाली सफूफ नहीं लेना, और नशादा ठीक रही अच्छे वाला 1 पाव। दोनों को खरल करें, फिर यक जा करके ना खूब रगड़ाई करें कि गुबार की मानंद हो जाए। कोई अक्सीर नहीं डालनी, कुछ नहीं डालना। इसको उठा के काली कुठाली में डालें, बंद करके गीली कमत करें। इसको 10 किलो ओपलों के दरमियान रख के आग दें, कड़े के अंदर भड़के की आग देना। जब ठंडा हो जाए इसको निकालें, इसका वजन करें निकाल के। बिलफर्ज पहली आग में आपका 50 ग्राम भी निकल आया ना, तो आपने बाकी 450 ग्राम जो है गंधक और नशादर और डालने, जो इसमें से निकले उसको पीस लें और गंधक नशादर ऐड करके फिर आग लें। इसी तरह आपने हर बार आधा किलो वजन पूरा करके 10-10 किलो की आग देनी है। जब 80 आग आ जाएगी ना, इसकी 80 दफा आग आ जाएगी, तो ये आपका कुठाली में से गारा निकलेगा सुर्ख रंग का। आपने आग बंद नहीं करनी, गंधक निशातर देते जाना, आग देते जाना। जब 95-96 दफा आग आएगी तो ये आधा किलो पूरा सुर्ख रंग का तेल ही निकलेगा अंदर से। ये 10 किलो की आग में से गंधक और नशादर का तेल पूरा बावजन बरामद होगा। इस तेल को आप दरवाजे पे खतकश कर दें तो पूरा काम करेगा। ये दो नुस्खे मैंने बता दिए भी, बाकी बाबा नहीं मंदिर साहब बैठे, अब इनसे भी फायदा हासिल करें।